नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा, हाजिर हूं आज की विशेष खबर के साथ। देखिए, जनपद भदोही में दिनांक 7 जुलाई को लगभग शाम को 7 बजे एक सूचना मिली कि जंगीगंज चौकी के अंतर्गत एक सुनार से कुछ दो बाइक सवार बदमाशों ने जो दो बाइक में आए थे, उन्होंने उसका, जब वो अपना घर जा रहा था दुकान बंद करके, तो एक जेवर से भरा बैग छीन करके वो लेकर भाग गए थे। तत्काल सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन्होंने मौका का मुआयना किया था और शीघ्र ही टीमें बनाई थी और अपने जनपद के स्वॉट और जो SOG टीम है और थाना गोपीगंज पुलिस की टीम एवं सूर्यामा पुलिस की टीम जो है इसमें लगातार अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए लगी हुई थी। इसी में जनपद भदोही की पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और ये देर रात मुठभेड़ में ये पांचों जो अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया था, बेखौफ जो बदमाश थे, वो सभी पुलिस के हत्थे चढ़े और इसमें पुलिस के इनकाउंटर में 3 बदमाश जो है घायल भी हुए, उनके पैर में गोली लगी है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 बाइक थी जो कि संभवतः लूट एवं चोरी की बाइक है, एक अपाचे बाइक और एक पल्सर बाइक बरामद हुआ है और इनके पास से 3 अवैध तमंचा बरामद हुआ है और 3 उसके साथ खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो ये लूट करके गए थे उसमें से लगभग 4 किलो चांदी बरामद हुआ है, 10,000 कैश है। इसके साथ ही जो है कि इस घटना का सफल अनावरण हुआ और पूछताछ में जो जिन सुनार को इन्होंने बेचा है वो भी, उनके भी नाम प्रकाश में आए हैं, तो जो सुनार इसमें मीडिएटर थे उन सुनारों ने फिर फर्दर सुनारों को बेचा था और घटना में जो लोग थे जिन्होंने घटना कारित की थी, जो डकैत थे, वो 2 बाइक में थे, 3 और 2 और एक यहाँ पर मुखबिरी उसने किया था, तो टोटल जो है 6 लोग थे। उसके साथ साथ जो सुनार का जो टीम है जो इसमें लगे हुए थे, जो एक गैंग की तरह काम कर रहे थे, तो इसमें टोटल 10 अभियुक्त जो है इसके हैं, जिसमें से कि 5 जो घटना किए हैं। इसमें जो है नए BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जो आपका 395 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, 310(2) में इसको तरमीम किया गया था, लिखा गया था 304(2) में, साथ ही साथ इसमें 317(2) भी लगा है और एक नया सेक्शन जो कि 111-109 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन है वो भी इसमें लाया गया है, ताकि इसकी इसमें जो है इनको प्रभावी पैरवी कर करके इनको शीघ्र से शीघ्र जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, ताकि इस तरह का जो ये संगठित अपराध करते हैं और जनता के मन में एक सुरक्षा का अभाव पैदा करते हैं और एक खौफ पैदा करते हैं, इसमें एक अच्छा मैसेज जाए। गिरफ्तारी की जो अपनी टीम है उसको मेरे द्वारा 25,000 के इनाम से पुरस्कृत किया गया है और इनके विरुद्ध जो है आगे भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर, वैसे तो ये जो धाराएं लगी हैं ये धारा अपने आप में ही परिपूर्ण है और इसमें आजीवन कारावास एवं सश्रम रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा है, परंतु इनका जो है गैंगस्टर में भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और गैंग के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नहीं देखिए, पहली बार तो घटना ये नहीं कर रहे हैं, इनका क्राइम हिस्ट्री बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है, साथ ही साथ चोरी की घटनाओं में भी ये शामिल रहे हैं। संभवतः ये जो बाइक इन्होंने यूज़ की है ये भी लूट की एवं चोरी की ही बाइक है और इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे और इन्होंने कई जगह अन्य अपराध भी किए हैं। ये अलग बात है कि कहीं उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ हो और फ्यूचर में भी ये एक तरह का गैंग इन द मेकिंग था कि ये अगर पुलिस के द्वारा नहीं पकड़े जाते, और अब आगे पुलिस इनको प्रभावी पैरवी करके सज़ा भी कराएगी, अगर ये सब ना होता तो आगे इनके बड़े अपराध करने की भी मंशा थी।
अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो पीड़ित व्यक्ति था उसने बताया मीडिया को कि 20 से 25 लाख रुपए की लूट हुई है, 20 किलो चांदी है और 70 ग्राम सोना और कैश है, तो आप लोगों की जांच में क्या पता लगा कि कितने की लूट हुई थी, क्या पूरा माल बरामद हो गया, कभी कुछ बचा हुआ? देखिए, वादी ने तो बता दिया था कि लगभग 20 लाख का इनका सामान गया है। उसके बाद वादी ने इसमें कुछ कम भी किया था, लेकिन हमें जो बैग मिला उसमें, अभी जब गिरफ्तारी हुई जो बैग मिला है उसमें तो 4 किलो लगभग हमें चांदी मिला है और कुछ कैश मिला है, लेकिन जो नाम प्रकाश में आए हैं, जो सोनार हैं, उन पे भी जो है टीम धरपकड़ के लिए लगी हुई है और संभवतः इसमें 100% बरामदगी वादी के सेटिस्फैक्शन के साथ पुलिस द्वारा की जाएगी इसमें। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।